चाहे मराठा। सीधी बात, सबकी उल्टी गिनती चाहते। नमस्ते फ्रेंड्स, बॉलीवुड की पॉपुलर फ्रेंचाइजी फिल्म सिंघम की दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है। इस फ्रेंचाइजी से पहली दो सफल फिल्में डिलीवर करने के बाद रोहित शेट्टी और अजय देवगन अब तीसरी पार्ट यानी सिंघम अगेन को लेकर हाजिर होने वाले हैं। फिल्म की पूरी जानकारी के लिए वीडियो की अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म को लेकर एक और खास बात सामने आई है। दीपिका पादुकोण अजय देवगन की लेडी लव का रोल प्ले करते देखी जा सकती है। बता दें कि आजकल रोहित शेट्टी की पिछले कुछ फिल्मों में कलाकारों की कैमियो का यानी छोटा सा रोल देखी जा रही है। सर्कस फिल्मों में दीपिका पादुकोण ने छोटा सा रोल प्ले किया था। वैसे ही खबर है कि इस फिल्मों में अक्षय कुमार और रणवीर सिंह का कैमियो देखने को मिल सकता है। साल 2022 में अजय देवगन की फिल्म दिसम 2 आई, जिसकी कहानी लोगों की इतनी पसंद आई कि लगभग एक महीने बाद भी थिएटर में अच्छी संख्या में दर्शक मौजूद थे। और अब अजय देवगन अपनी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म भोला फिल्म को लेकर बिजी है। ये इसी साल 30 मार्च को रिलीज होगी। इसके साथ ही उनके फ्रेंड्स के लिए एक और गुड न्यूज है। अजय देवगन और रोहित शेट्टी की जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। बात करें फिल्म की रिलीज डेट, सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंघम अगेन फिल्म को साल 2024 में दिवाली में रिलीज होगी। फिल्म की शूटिंग फिल्म मेकर्स ने जुलाई 2023 में शुरू करेंगे। आपको बता दें, रोहित शेट्टी बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर है। अगर उनकी पिछली फिल्म सर्कस को छोड़ दी जाए तो लगभग हर मूवी ने अच्छे प्रदर्शन ही किया है। रोहित शेट्टी की सक्सेसफुल फिल्मों में से सिंघम और सिंघम रिटर्न शामिल है, जिसमें अजय देवगन की दमदार स्क्रिप्टिंग और अभिनय देखा गया है। एक बार फिर से अजय देवगन और रोहित शेट्टी ने बड़े पर्दे पर दर्शकों के लिए सिंघम अगेन लाने जा रहे हैं। सिंघम अगेन को घोषणा कर अजय देवगन ने अपने को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया। अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, सिंघम अगेन की कहानी के साथ नए साल की अच्छी शुरुआत। मैंने जो स्क्रिप्ट सुनी वो ईश्वर की कृपा है। अजय देवगन ने यह भी कहा, डायरेक्टर रोहित शेट्टी के साथ ये हमारा 11वीं ब्लॉकबस्टर फिल्म होगी। जानकारी के अनुसार सिंघम 3 में रोहित शेट्टी और अजय देवगन 11वीं बार एक साथ काम करेंगे।